ये तो हम सब जानते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री मसालों से भरपूर है। यहाँ कब कौन सा ट्विस्ट आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और एक बार फिर बॉलीवुड में तहलका मच गया है जब ये खबर सामने आई कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लाडली बेटी ईशा देओल और उनके पति तख्तानी का तलाक हो गया। जी हाँ, ईशा देओल का 11 साल का रिश्ता टूट गया। नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। बॉलीवुड के लेजेंड और दिग्गज नेता धर्मेंद्र और उनकी पत्नी हेमा मालिनी की बेटी की शादी टूट गई, जिसका ऐलान खुद ईशा देओल ने ऑफिशियली किया, जिसके बाद उनके फैंस काफी निराश हुए। यहां तक कि उनके फैंस ईशा देओल के लिए कहते हैं कि उन्हें अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। ईशा देओल की बात की जाए तो 42 साल की ईशा देओल हिंदी सिनेमा के पर्दे पर कई बार दिखी, लेकिन अपनी माँ हेमा मालिनी जितनी मशहूर नहीं हो पाई। ईशा देओल की फिल्म की शुरुआत 2002 में कोई मेरे दिल से तो पूछे फिल्म से हुई। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। कई सालों के स्ट्रगल के बाद धूम से उनकी पहचान बनी, जिसके बाद 23 जून 2012 में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने बड़े अरमानों के साथ अपनी लाडली ईशा और बिजनेसमैन तख्तानी का विवाह रचाया। हालांकि उनकी शादी कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के तलाक की खबर कई दिनों से चर्चाओं में चल रही थी, जिसके बाद अब खुद ईशा ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया कि उनका तलाक हो गया है। उन्होंने कहा, हमने आपसी और सौहार्दपूर्ण तरीके से अलग होने का फैसला किया है। हमारे जीवन में इस बदलाव की वजह से हमारी बेटियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ने देंगे। हम लोगों के लिए हमारे बच्चे सबसे ऊपर है। आप लोग इस समय हमें पर्सनल स्पेस दें और हम इसका सम्मान करेंगे। ईशा के बयान से ये तो साबित हो गया कि दोनों जोड़े आपसी सहमति से अलग हुए हैं, लेकिन उनके एक्शन कुछ और ही कहते हैं। अगर ईशा के सोशल मीडिया की बात करें और ईशा ने एक्स हस्बैंड तख्तानी के साथ सारी पोस्ट डिलीट कर दी है, वहीं तख्तानी की बात करी जाए तो एक्स वाइफ ईशा के साथ तख्तानी ने पोस्ट अभी तक डिलीट नहीं की है। दोनों की दो बेटियां हैं जिनके लिए वो दावा करते हैं कि उन पर तलाक का असर नहीं पड़ने देंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आर्यन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।